नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। मैं अशोक कुमार आज MS Word की नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ फाइंड और रिप्लेस से रिलेटेड, यानी एडिटिंग से रिलेटेड जो कमांड्स आप यूज करते हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा था क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ टैब्स की हम सेटिंग कैसे करते हैं। आज का हमारा एडिटिंग से रिलेटेड वाला टैब रहेगा। आज हम एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एडिटिंग आप कैसे करते हैं और इसमें कुछ टूल्स गिवन हैं, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमएस वर्ड के अंदर एक डिफॉल्ट कमांड गिवन होती है इक्वल टू रेंड ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। यहां से हम अपना पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ आपको मिलने के बाद अब हम यूज करेंगे फाइंड कमांड। फाइंड कमांड कहां यूज की जाती है, यानी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर आपको फाइंड करना है, सर्च करते हैं, तो आप फाइंड कमांड यूज करते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज होगा, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से फाइंड, और यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना। सपोज कीजिए मुझे एक वर्ड है इच, इस वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूं इस पैराग्राफ के अंदर। तो जैसे आप इच टाइप करेंगे वो आपके सामने हाईलाइट हो जाता है। तो यहां से ये है फाइंड करने का काम। फाइंड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप किस लिए फाइंड करना चाहते थे, क्यों सर्च करना चाहते थे, मे बी आप यहाँ पे कोई करेक्शंस करना चाहते हैं या फिर इस वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। जिस भी पर्पज के लिए आप इसको फाइंड करना चाहते थे, आपने फाइंड किया, तो ये इस कमांड की हेल्प से आपका काम काफी आसान हो जाता है। अब फाइंड करने के बाद आपके पास आता है रिप्लेस। रिप्लेस की अगर हम बात करें तो रिप्लेस किस लिए, कोई वर्ड अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको सर्च करके रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक वर्ड ईच को फाइंड किया है और मैं चाहता हूं इसको रिप्लेस करना एवरी वर्ड से, तो आप यहां से इसको रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस। अभी देखिए आपको क्या कह रहा है कि ये वर्ड है ईच, यहां पे आप क्या इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस। फिर इसने फर्दर आगे नेक्स्ट फाइंड किया है, ये रहा आपका ईच लेकिन नॉट रिच, फाइंड नेक्स्ट और नहीं है यहाँ पे, तो इसने इसको फिनिश। अब आप इस पैराग्राफ के अंदर अगर दोबारा से सर्च करते हैं, एक वर्ड था हमारे पास ईच जिसको हम फाइंड कर किया था, अब आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी आपके सामने ईच वर्ड नहीं है, सभी ईच वर्ड को ये रिप्लेस कर चुका है। कोई और दूसरी सर्च करते हैं, जैसे मैंने कहा यहां से हम सर्च करते हैं नीव, ठीक है, यहाँ पे ये इतने सारे नीव वर्ड इस पैराग्राफ के अंदर हैं। अगर हम इनको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर से, तो मैंने कहा नीव वर्ड को आप चेंज कीजिए ओल्ड वर्ड से, ओल्ड रिप्लेस। अगर रिप्लेस यूज करते तो एक वर्ड को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ओल्ड के अंदर क्या करेगा, ये सभी वर्ड को एक साथ रिप्लेस करेगा वन बाय वन। अभी हमने लास्ट ईच वर्ड को सर्च करके रिप्लेस किया था, अब की बार हम क्या करेंगे रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो ये टोटली डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितना भी आपका वर्ड था सबको इसने रिप्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे आपको कोई भी न्यू वर्ड नहीं मिलेगा। देखिए यहां से अब हम न्यू सर्च करके देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी न्यू वर्ड नहीं है, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। फिर आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल, यानी इस पैराग्राफ को कंप्लीट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस पर्पज के लिए सिलेक्ट किया है, जो भी आप करना चाहते हैं अब वो आप कर सकते हैं। इसने कंप्लीट टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करके दे दिया, या फिर माउस की हेल्प से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन, जितना आपको सिलेक्ट करना है। माउस की हेल्प से क्या करते हैं आप, वन बाय वन लाइन्स या फिर पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है, जिसका शॉर्टकट बनता है कंट्रोल प्लस ए, यानी कंट्रोल ए जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपको करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है या फिर फॉन्ट कलर चेंज करना है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट, जिस पर्पज के लिए आपने इसको सिलेक्ट ऑल किया है वो आप कर सकते हैं। ये थे आपके एडिटिंग में। अब यहां से नेक्स्ट है, अगर आप बाय डिफॉल्ट जब इस फाइल को सेव करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल आपकी सेव होती है, यानी एमएस वर्ड की फाइल सेव हो जाती है। तो चलिए एक बार मैं इसको सेव करके दिखा देता हूं, फाइल और सेव।
सेव पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे सेव करनी है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, आप कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन स्पेस को सेव करेंगे। चलो मैं सपोज करते हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करते हैं, किसके नाम से, टेक्स्ट के नाम से इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। कहाँ पे आएगा ये, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर टेक्स्ट नाम की एक फाइल बन जाएगी सेव। मैं मिनिमाइज करता हूँ इस फाइल को और आप देखेंगे यहाँ पे ये एमएस वर्ड की फाइल बन चुकी टेक्स्ट। अब इस फाइल में और पीडीएफ फाइल में क्या डिफरेंस होगा? यहां पे है क्रिएटिव पीडीएफ। अब पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप इस फाइल को क्रिएट करते हैं तो होगा क्या, इस फाइल के अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, यानी पीडीएफ के अंदर एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि एमएस वर्ड के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहां से मैं एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करने जा रहा हूं इसकी, तो हम इसकी एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करेंगे। अब ये आपकी एक पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां से कुछ पेंडिंग्स हमारे टूल्स थे होम टैब्स के अंदर, जिनको आज हमने इस टॉपिक में कवर किया है। फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल या फिर पीडीएफ फाइल क्रिएट करना, ये सब आपने आज की इस क्लास में सीखा। थैंक यू।